श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 13 नवंबर को अगहन मास की पंचमी तिथि है। अगहन मास में करने के कुछ विशेष उपाय पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान बताए हैं। रायपुर में चल रही कथा के दौरान मिश्रा जी ने इस मास की महत्वता को बताते हुए यह उपाय करने को कहा है। अगर आप भी इस मास में भगवान कृष्ण महादेव की अपार कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, लगातार परेशानियों का दौर अभी भी चल रहा है, बहुत से उपाय करने के बाद भी परेशानियां दुख दूर नहीं हो पा रहे हैं, पैसों की लगातार कमी रहती है, तो आपको मिश्रा जी का यह उपाय करना है। अगहन मास में आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, खास करके अगर आप रविवार को करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। 13 नवंबर रविवार के दिन आपको क्या करना होगा कि प्रातःकाल स्नान आदि कर लीजिएगा। स्नान आदि करने के बाद 108 आपको चने की दाल के दाने लेने हैं, 108 काले तिल के दाने लीजिएगा, वहीं 108 आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं और 108 आपको अक्षत के दाने लेने हैं। यह सब सामग्री और एक शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि जो 108 चले की दाल के दाने जो लेकर आए हैं उसे लेकर सबसे पूर्व थोड़े चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। थोड़ी चने की दाल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, थोड़े चने की दाल आपको गणेश जी और कार्तिकेय वाले स्थान पर अर्पित करिएगा, वहीं थोड़े चने की दाल आपको जलाधारी वाली जगह पर, बाकी बची हुई दाल आपको नंदी महाराज के चरणों में अर्पित कर देनी है। यह करने के बाद जो 108 आप हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा करके इन सभी स्थानों पर अर्पित करिएगा। हरे मूंग के दाने अर्पित करने के बाद जो आप 108 काले तिल के दाने लेकर आए हैं उन्हें भी कुछ इसी प्रकार से अर्पित कर दीजिएगा और अक्षत के दाने भी आपको कुछ इसी प्रकार से अर्पित इन सभी स्थानों पर करने हैं। यह सब करने के बाद शुद्ध जो लोटा जल जो लेकर आए हैं आप उसे लेकर अपने दाहिने हाथ से बिल्कुल पतली धार से शिव जी को जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से जल अर्पित करिएगा। और जिस प्रकार से यह उपाय आपको बताया गया है कुछ इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको इन सभी स्थानों से एक एक सामग्री सबकी उठानी है जो आपने अर्पित करी थी और इसे लेकर अपने साथ घर आ जाइएगा। घर लाने के बाद आपको उन दानों को लाल कपड़े में बांधना है, बांधकर आप उसे किसी भी कोने में घर के रख दीजिएगा। आपके सारे काम सिद्ध होंगे, परेशानियां दूर होंगी, महादेव की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।